हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम अपना SBI अकाउंट में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है, दोस्तों हम कैसे पता करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टाइप करेंगे SBI, यहाँ पर SBI का होम पोर्टल खुल जाएगा दोस्तों। सिंपली दोस्तों हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले ऑप्शन पर ही क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहां पर लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे इस वाले ऑप्शन पर। यहां से दोस्तों हम कंटिन्यू टू लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देंगे, ये जो दिखा रहा हूं मैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एक नया पेज खुल जाएगा हमारा। यहाँ से स्क्रोल करके नीचे आएंगे दोस्तों और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लेंट्स का। अभी मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर सिंपली दोस्तों क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि रेज कंप्लेंट्स के ऑप्शन पर जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों सिलेक्ट कर लेंगे पहला ही ऑप्शन इंडिविजुअल कस्टमर के ऑप्शन को सिलेक्ट करके दोस्तों सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आप अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जो कैप्चा लिखा हुआ है जैसा वैसा आपको फिल कर देना है जोड़ के या माइनस करके। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा OTP आ चुकी है। जो नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा दोस्तों आपके SBI अकाउंट के साथ में, उसी पर OTP आएगी और वही नंबर आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है दोस्तों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये दोस्तों जो 5 नंबर है ये दोस्तों वो नंबर है जो रजिस्टर्ड है आपके SBI अकाउंट के साथ में दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट के साथ में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।